गाइस ये वेलकम बैक सभी लोग कांशुबिश के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। आज हम लोग जाने वाले वापस से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। मेरे को आज एक बहुत ज्यादा क्रेजी आइडिया है क्योंकि हम लोगों के पास यार हर एक जगह पे कुछ ना कुछ है, बट हमारे नेदर में हमारे पास एक भी घर नहीं है। सो गेट रेडी फॉर दैट, आज हम लोग बहुत ज्यादा क्रेजी काम करने वाले हैं। तो जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, 101 के लाइक का शगुन लगा दो फटाफट से, और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, 5 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। बाकी चलो चलते हैं फटाफट से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। ये क्या था यार, मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो। अरे यार ये क्या अटक रहा है क्या भाई, ये बताओ ये क्या था भाई, ये क्या था ये। ये देखो अब एकदम सही हो गया। ओ माली साहब कैसे, सही है सब, सबसे घर पे सब सब ठीक। एक एक हफ्ते हफ्ते की छुट्टी लेके चल जाते हो तुम, बहुत बदतमीज हो रहे हो, बताता हूँ तुम्हें, रुको आके बताता हूँ भाई। सही मेरे ये स्टैचू लिटरली इतना सही बन गया ना, मतलब सही बताता हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा ऐसा होगा, समझ रहे हो, मैंने अपने मन से ऐसे बस अपनी स्किन को देखते हुए ऐसे कुछ भी बना दिया। एंड बिलीव मी ब्रो ये बहुत ज़्यादा कूल लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को तो एटलीस्ट लगता है। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन तुम्हें कैसा लगता है। लाइक पता नहीं यार, मैं तो सोच रहा हूँ फ्लीट किंगडम की आज से ना शुरुआत जब भी वीडियो करूँगा तो यहाँ से करूँगा। देख लो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है भाई फ्लीट किंगडम। अब इवन दो इसमें लाइक मैंने काफ़ी कम कर रखी है, लाइक अपनी थोड़ी रेंडर डिस्टेंस कम किया। भाई काम करते थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अभी के लिए, 12 कर देते हैं, ठीक है 12 रेंडर डिस्टेंस कर। देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, वो अपना म्यूजियम हो गया वहाँ पे, वॉर म्यूजियम, ये अपना क्या कहते हैं पूरा कासल हो गया, ये अपना इंडियन फ्लैग हो गया, यहाँ पर अपनी वो हो गई पूरी क्या कहते हैं स्किन हो गई, पूरे का पूरा स्टैचू हो गया। भाई ये बहुत सही लगता है यार, मेरा मन है स्टैचू के अंदर भी कुछ ऐसा बनाया जाए, पता है कुछ क्रेजी सा मस्त सा। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा कुछ कूल लगेगा तो। बाकी ये तो अपना पोर्टल वोटल हो गया, तुम लोगों को पता ही है यार मैं बहुत टाइम में डालता हूँ, इसलिए मेरे को मन करता है कि तुम लोगों को ना एक टूर जैसा दे ही दूँ हल्का सा, मतलब क्योंकि मैं सही बताऊँ बहुत देर में डालता हूँ यार सर्वाइवल की वीडियो, लाइक फ्लीट किंगडम की वीडियोस। सो हियर वी गो, देखो ये है हम लोगों का फ्लीट किंगडम पूरा का पूरा, दूर दूर तक जहां जहां तक तुम देख सकते हो फ्लीट किंगडम फैला हुआ है एकदम तगड़ा वाला। ये हमारा कासल हो गया जो हमारा मेन घर है, पहले हम लोग किस में रहते थे वो भी दिखाता हूं तुम्हें, बट यस ये रहा हमारा मेन कैसल जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, मस्त मजे करते हैं, मस्ती करते हैं। फिर हम लोग अगर इससे बाहर आएंगे तो ये है हम लोगों का गेट जो हम लोगों को लेके जाता है प्यारे से पार्क की तरफ को, जहां पर तुम लोग आराम से घूम सकते हो, मस्ती मौज मस्ती कर सकते हो। अगर तुम लेफ्ट लेते हो ठीक है तो तुम लोगों को इतना बड़ा पोर्टल दिखेगा जिससे एक मॉन्स्टर का हाथ निकल रहा है बाहर, जिसने खींच रखा है पूरा, और लावा ही लावा भर दिया हमारे वर्ल्ड में। और अगर ध्यान से देखोगे तो उसके खींचने की वजह से हमारे ओवर वर्ल्ड में नेदर के प्लांट्स उग गए हैं, समझ रहे हो, ओवर वर्ल्ड के अंदर नेदर के प्लांट्स क्रिम्सन और वॉर्ब दोनों। उसके बाद इधर को आते तो इधर हम लोगों के हेलो क्यूडी कैसी हो, देखा ये देखो ऑल की फ्रेंड्स लाइक कर दो। यहाँ पर तुम लोगों को पूरे के पूरे वो दिख जाएंगे क्या कहते हैं उसे विलेजर ही विलेजर दिख जाएंगे दोनों साइड पर, मस्त अपने ठेले लगा के बैठे हुए। तुम लोगों को अगर यहाँ से कुछ सामान लेना तो ले सकते हो, तुम लोग अगर यहाँ पर देख सकते हो वामू वामू ऐसे करके तुम लोग इस स्टैचू की पूजा भी कर सकते हो ठीक यार तो उसके बाद हम लोग इधर को आते हैं। हम लोगों का इधर पे क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोगों का पूरा पिकनिक स्पॉट है, मस्ती करो मजे करो, यहाँ पे बारबेक्यू चल रहा है, यहाँ पर अपना मस्त करके वाटरमेलन खाया जा रहा है, यहाँ केक वेक चल रहे हैं, थोड़ा सा झूला है वो सब है। फिर यहाँ पर अपना वही दोबारा से सेम जैसे वहाँ स्टॉल्स है वैसी स्टॉल है, यहाँ पे हर एक टाइप का विलेजर है, कहने का मतलब जितने भी जॉब्स होती हैं इस गेम के अंदर वो सारी जॉब्स हैं यहाँ पे। तो ये होने के बाद तुम लोग अगर चल के आते हो इधर को, मेरे को बस एक चीज़ सही करनी थी जो मैं हर बार भूल जाता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सही करना, वो है वो जो तुम लोगों को आइलैंड दिख रहा है ना, वो आइलैंड हम लोगों को पूरा का पूरा गायब कर देना है पहली चीज़। और उसके बाद हम लोगों का आइटम सॉर्टर हो गया, अपना पीछे क्रीपर फार्म हो गया, वहाँ पर अपना आयरन फार्म हो गया, इन सब के लिए भी रस्ते काटने हैं जो प्रॉपरली ऐसे रस्ते जैसे लगे, मतलब समझ रहे हो ना। मैं सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर ऐसा बोट और आइस वाइस लगा दी जाए, मस्त करके पानी के ऊपर से सू करते हुए जा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का पुराने वाला शुगर केन फार्म है जो पहले चलता था, फिर उस साइड पर हम लोगों का पोटैटो फार्म है, पोटैटो एक्सपी फार्म है वैसे, बट हाँ उससे खाने पीने का भी हो ही जाता है खैर। तो उसके बाद हम लोग इधर को आते तो यहाँ पर हमारे चिल करने का एरिया दोबारा से, ये बीच में एकदम प्यारा सा फाउंटेन है, लेफ्ट जाएंगे तो हम लोगों का वॉर म्यूजियम है जिसमें अलग अलग टाइप के आर्मर्स लगे हुए हैं, और एक आर्मर तो तुम्हारे भाई ने पहना हुआ है अभी। सो यस एक मिनट को एक मिनट, मैंने अपना चेस्ट प्लेट कहां रख दिया रे, मिल गया भाई। मेरी ना सांस अटक गई थी अभी मजाक से अटके, यहाँ दे दे भाई छोड़ यार, मेरी सांस अटक गई थी, मैं तुम्हें झूठ भी नहीं बोलूंगा, मेरे को हुआ भाई नहीं यार डोंट टेल मी मैंने अपना ये खो दिया भाई। आर्मर यार आर्मर ही होता है, तुम्हें ही पता है मुझे ही पता है कितना ज्यादा
जान से प्यारा होता है भाई, खास करके जब उसमें इतने ट्रिम्स लगे हुए ये सब चीज़ें लगी हो तो। यस, ये रहा हमारा वॉर म्यूजियम जिसके आगे चीज़ें लिखी हुई हैं जहाँ पर तुम लोग जाके पढ़ सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तो यस, ये अपना वॉर म्यूजियम हो गया। फिर तुम लोग इससे भी थोड़ा सा आगे आओगे, यहाँ पर हम लोगों का एक मस्त सा कॉबल स्टोन का फार्म हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पर हम लोगों का एक छोटा सा आयरन फार्म हो गया जो बहुत सही काम करता है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है बड़े वाले से भी, मतलब बढ़िया तो नहीं कहूँगा, बड़े वाला ज़्यादा फास्ट काम करता है। सीधी सी बात है, वो बड़ा है भाई, उसमें चार पाँच एक साथ आते हैं। ये हमारा द कैक्टस हो गया जो कि हमारा कैक्टस फार्म है। फिर ये हमारा वूल ही हो गया जिसमें हम लोगों को ढेर सारी वूल मिलती रहती है। यहाँ पर हमारा स्लाइमी हो गया जहाँ पर हम लोगों को ढेर सारी स्लाइम बॉल्स मिलती रहती हैं। काम कर रहे हैं, रुको जरा एक बार अंदर जाके देख के आता हूँ। स्लाइम बॉल्स चल रही हैं, हाँ चल रही हैं, बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों की स्लाइम बॉल आती रहती है, हम लोगों को बस ऊपर वहाँ पर एफ के खड़ा होना होता है और दैट्स इट। ये हमारा शुगर ही हो गया, इसका नाम मैंने लिखा नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जो कि मेरे को लग रहा है लगेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, यू नो नेदर वर्क कैसे काम करता है भाई। नेदर में जाना तो मतलब अपनी भाई सर पे पत्थर मारने जैसे ही होता है, खास करके अगर तुम कुछ बिल्ड करने जा रहे हो। कभी गैस्ट आ जाएगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ, बहुत ज़्यादा दिक्कत खराब होती है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है पूरा। यहाँ पर हम लोगों का वीट फार्म हो गया जो कि हम लोगों को वीट देता है, बट अब तो तुम्हें पता ही है, अब हम लोग विलेजर से ही फूड लेते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको कभी, समझ रहे हो ना, ऐसा अपग्रेड नहीं करा, वरना मेरा मन था कि इसमें पोटैटो वोटैटो सब कुछ करेंगे वीट के अलावा, मतलब सब कुछ ए टू जेड जितना भी होता है, बट वही चीज है। फिर मैं कहूँगा कि यार, समझ रहे हो। तो यस, ये हो गया पूरा का पूरा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग, मेरे पास आयरन पड़ा हुआ है ना, सबसे पहले अपना फूड का इंतजाम करते हैं और उसके बाद सीधे निकलते हैं यहाँ पर से, ठीक है। ये रे आयरन ही यार, ये वाले ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स में ये क्यों नहीं, अच्छा एक्चुअली एक मिनट रुको, ये ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना वो कहाँ है, आयरन वाला ये करेगा ट्रेड आयरन से, इधर आना छोटू। अरे अरे सोना नहीं था, सोना नहीं था, मेरे को ये देना। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। चलो ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, भाई से भी थोड़ा सा ट्रेड कर देते हैं हम लोगों को ढेर। अरे भाई यार, मैं नहीं सो रहा हूँ यार, ये क्या अटक रहा है भाई लिटरली, अरे बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं। देर वी गो, फिर हम लोग इधर से आ जाते हैं। चलो चलो चलो, मेरे को दे दो, लाओ आयरन के बदले दे दो मुझको एमराल्ड्स। ये तो नहीं देखा, तो पत्थर वाले ना, बस इतना एमराल्ड मे बी होपफुली काम कर जाए अपना। हम लोगों को बस कुछ नहीं चाहिए, एक स्टैक फूड ही चाहिए। तो हम लोग भैया से बोलते हैं, भैया हमको खाना खिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, गला नहीं मेरा पेट सूख रहा है। पेट क्यों सूख गया किसी का, जी जी। ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आयरन भी डाल ही देते हैं अभी के लिए, ठीक है, और उसके बाद इसको लेके चलते हैं अपने साथ। अब हम लोगों को क्या करना है गाइस, देखो मैंने जो सोचा हुआ है, मेरे दिमाग में पूरी एक पिक्चर चल रही है, तुम समझ रहे हो, जो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का नेदर का वर्ल्ड दिखे। देखो नेदर का वर्ल्ड ना, सही बताऊँ, अभी के लिए इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मतलब दिखने का अच्छा है, सीधी सी बात है, ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा कूल लगती है, बट ये हमारे नेदर में ओनली कूल थिंग है, सही बताऊँ तो। अगर तुम लोग ऐसे बात करोगे ना कि कूल थिंग्स में क्या क्या है तुम्हारे पास नेदर में, तो ये ओनली कूल थिंग है जो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार मजा आ गया देख के जिसको। बट अपने पास कुछ ऐसा क्रेजी नेक्स्ट लेवल कुछ, समझ रहे हो, मतलब ऐसा एक, पहले तो सबसे पहले तो हमारे पास नेदर में घर नहीं है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग ऐसा कर सके कि हाँ अपना सामान रख लिया, थोड़ा बहुत रह लिए, ये सब चीज़ें ये हमारे पास है ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग सबसे पहले ना नेदर में अब एक बढ़िया सा पहले घर जैसा बनाएं, जिसमें हम लोग रह सकते, आना जाना वो सब होता रहे, लगा रहे, ताकि कैसे बताओ यार बाद में आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने सोचा हुआ है कि देखो सबसे मेन चीज़ है जो नेदर में बहुत ज़्यादा कूल लगती है, वो ये होती है कि तुम्हारा ये जो नीचे का होता है ना, ये जो हम लोगों ने बना रखा है स्वर्ड से, यार ये बहुत ज़्यादा मस्त लगता है मेरे को, सही बताओ। देख रहे हो कैसा मिस्ट वाला लग रहा है, कि कितना नीचे तक ये पॉइजन गैस जैसी जा रही है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा कूल लगता है। तो मेरा मन है कि यार हम लोग जो घर बनाएंगे ना, उसमें ऐसी कुछ करेंगे, वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसी कुछ नीचे से बनाया जाए, और मैं तो बोलता हूँ कुछ रेड रेड से बनाएंगे, ताकि ऐसा लगे ना कुछ फायर जल रही है नीचे, कुछ मतलब कुछ अलग ही लगे, थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट सा लगे, मज़ा आए। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको हम लोग इधर कहीं पर बनाते, क्योंकि इस एरिया में हमारे पास सीधे यही है, और ये तुम्हें पता है कि ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है हम लोगों का जो ओशन वाला जो हमारा मॉन्यूमेंट था, जिसको हमने पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म किया था, ये वहां पर जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को बस एक ही चीज टेस्ट करनी है जो कि बहुत ज्यादा मेन रहेगी, जो कि होगी इसके नीचे कितनी जगह है, रेडी भैया इधर आऊं, थैंक यू। तो ये जो है हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा बनाना, अगर हम लोगों को बनाना है तो। फिर हम लोगों को एरिया के लिए भाई बहुत मेहनत लगने वाली है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो हम लोगों को बेसिकली इसको यहाँ से ऐसे करके उठाना है, राइट। तो यार इसको काश में चला पाता अपने साथ, बट ठीक है गाइज, मैंने सोच लिया है कि हम लोग इसको यहाँ पे बनाने वाले हैं। कहने का मतलब ये एरिया जो है ना, ये बहुत डीप जा रहा है, क्योंकि सीधी बात है, अगर हम लोगों को बनाना ही है वैसा है, क्या कहते हैं उसे, प्रॉपर समझ रहे हो ना, शैडो करते हुए जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो ये चाहिए हम लोग को। देख रहे हो कितना डीप जा रहा है, मस्त है, एकदम परफेक्ट है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन यार फिर जो दिखने का एंड रिजल्ट आता है ना यार,
वो इतना ज्यादा प्यारा होता है कि मेरे को फिर कर लेंगे वाली चीज हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको बनाने वाले हैं। मैंने जो सोचा हुआ है, देखो जैसे हम लोगों ने वहां पर एक सर्कल बनाया था ना तगड़ा सा, वैसे यहाँ पर भी एक सर्कल में एरिया करेंगे। बट हम लोगों को सबसे सैड चीज नहीं, मतलब सैड तो नहीं बोलेंगे, बट मेहनत वाली चीज लगी एक तरह से, हम लोगों को इस एरिया को पूरा का पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अभी तुम समझ रहे हो, नीचे को ही नहीं, सिर्फ नीचे को तो हम लोग करेंगे जिससे हम लोग ग्लास लगाएंगे, बट हम लोगों को इस एरिया को एक्चुअल में ऊपर को भी क्लीन करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को एक साफ सुथरा और लाइक कैसे बताऊं, इसके बराबर का एरिया मिले, जो स्वर्ड का बराबर है ना, एटलीस्ट उतना तो मिले ही मिले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से इसको अगर बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को ये एरिया पूरा का पूरा साफ बनाना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना हम लोग वो करते हैं, देना मेरे को जरा ये, इसमें से अगर बाय चांस किसी में हमारे पास, हाँ कॉबल डीप स्लेट पड़ी हुई है ना इसमें, और पड़ी है तो बढ़िया, बस बढ़िया। ठीक है, तो दो स्टैक से आई होप हमारा काम बन जाए, अभी के लिए इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर एक एरिया बना लेता हूँ जिसमें हम लोगों को जो मतलब जिस एरिया के सर्कल में हम लोगों को उसको काम करना है पूरा का पूरा। सो लेट्स गो, वाट लगने वाली है, बट लेट्स गो, करते हैं शुरू इसको। भाई हो जाए, भाई हो जाए आज तो। ठीक है, तो चलो फटाफट से इस पूरे के पूरे एरिया को हम लोगों को साफ कर देना है एकदम ही क्लीन। ठीक है, 9 में अपना काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा आई गेस, एटलीस्ट 11 कर देते हैं। चलो ठीक है, दोनों साइड से एक एक बढ़ा देते हैं, एटलीस्ट 11 कर लेते हैं। अब हम लोगों को वही करना है नॉर्मली जो होता है, दो, ठीक है, दो दो, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, दो दो, और उसके बाद इस एरिया को साफ करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मैं सिल्क टच वाली पिकैक्स से तोड़ रहा हूँ ना सबको। ठीक है, इस एरिया को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, बस हो गया। उसके बाद हम लोगों को वही करना है, एक दो, ठीक है, फिर सेम चीज़ हम लोग दोबारा से करेंगे जो कि होगा 1। ठीक है, पहले मैं इसको बेसिकली एक एरिया बना रहा हूँ जिसमें हम लोगों को जितनी खुदाई करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा करके भी फायदा नहीं है ना ज़्यादा, खैर करना तो पड़ेगा ही अगर हम लोगों को पूरा का पूरा एरिया एकदम क्लीन बनाना है तो, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, फिर हम लोगों को दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ तक का करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई मजाक नहीं कर रहा, जिस हिसाब से मैं इसको खोद रहा हूँ ना, मेरे को लग नहीं रहा कि आज में मैं कर पाऊँगा। भाई ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ होने वाली है, लाइक पता नहीं कैसे होगा, बहुत भसड़ होगी, लेकिन ये करना पड़ेगा भाई, करना है मतलब करना है ब्रो, लेट्स गो। ठीक है, 11, क्योंकि जिस हिसाब का स्केल अभी ऑलरेडी जा रहा है ना, मेरे को लग रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा सिर्फ खोदने में। सबसे सही चीज़ क्या लगती है मेरे को नेदर में, बताए कि अगर बाय चांस ये नेदरैक आता भी है ना, तो नेदरैक यार बस टूट बड़ी जल्दी जाता है, बस यही चीज़ अच्छी है, थोड़ा सा काम जल्दी होता है, बस इतना ही है। ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है जैसा होता है, बट ये चीज़ सही लगती है मेरे को कि काम धंधे में ज़्यादा रुकावट नहीं आती, तुम समझ रहे हो। बस अब अगर ये सही सर्कल बना होगा गाइस, तो ये वाला जो है वो आगे जाके मिल जाएगा, लेट्स होप कि मैंने सही बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ थोड़ा तो सही आया, चलो ठीक है, रेडी। कितना था ये, फिर से तोड़ के आना पड़ेगा जी यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 जी, हमें को डर लग रहा है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। फिर इसको हम लोग इधर को ऐसे ग्रैब करेंगे, ऐसे क्यों करेंगे, फिर वन, मेरे को सही लग रहा है क्योंकि मेरे को दिख रही है यहीं से लाइन। भाई मेरे को माइनक्राफ्ट में सर्कल में तो मैं हो गया भाई, माहिर हो चुका हूँ मैं। अरे क्या कर रहा है भाई, क्या करना चाह रहा है तू, बस सही है, देखो परफेक्ट है बिल्कुल, इस वाले के साथ वह जुड़ चुका है अपना मस्त करके। तो ये होगा हमारा पूरा का पूरा सर्कल, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल है, मजाक नहीं हो रहा, स्वॉर्ड वाले से भी बड़ा लग रहा है मेरे को फॉर सम रीज़न, बट ठीक है, मतलब फॉर सम रीज़न क्या, बड़ा है तो बड़ा ही लगेगा ना। तो यस, ये हम लोगों का पूरा हो जाएगा आई गेस, और इसको हम लोगों का पूरा यहाँ से ऐसे करके खोदना है, साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। यस, मजा तो पता नहीं, सजा बहुत जल्दी देर लगने वाली है। सो लेट्स गो, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो गाइस, फटाफट से इसको पूरा का पूरा खोद के आता, बस यही चीज़ सही है कि देखो आधा सोल सैंड है जो शवल से एकदम ऐसे छूते ही टूट रहा है, और आधा अपना क्या कहते उसे वो है, क्या कहते ये नेदर रैक है, जो कि अपना स्वॉर्ड से कह रहा हूँ, पिकैक्स से एकदम छूते ही टूटेगा। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो गाइस, इसको पूरा का पूरा क्लीन करके मैं मिलता हूँ तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट, अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई।
गाइस यार मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया क्लियर तो कर दिया है, बट मेरे को भाई ये चीज दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। मैं इतना बेवकूफ हूँ भाई, मैं इसको अगर पहले से TNT से फोड़ता कितना इजी हो जाता मेरे लिए काम यार। लिटरली ब्रो ये तो पूरा साफ हो जाता है एक एक TNT से। तो हम लोगों ने इसको लाइक इतना पूरा चीड़ दिया है TNT से, ठीक है। दिखने का भी थोड़ा सा ऐसा अच्छा लग रहा है, एक दो चीजें छूट गई तो खैर हम कर लेंगे। बट मेरे को एक चीज दिमाग में आई कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, मतलब हूँ तो मैं स्मार्ट ही, बट वैसे जस्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मैं बताता हूँ दिमाग कहाँ पर मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चल पाया। देखो हम लोग निकलते हैं सबसे पहले यहाँ से। अबे तू चल चल मर जा भाई। चलो अभी हम लोग सीधे निकलते हैं यहाँ से एंड की तरफ को, ठीक है। यहाँ से हम लोग एंड चलते हैं, एंड में जाके ढेर सारी सैंड लेके आते हैं और हम लोगों को चाहिए होगा बहुत ढेर सारी से, मेरा मतलब अबे यार मैं अपना इन्वेंटरी खाली करके नहीं आया, बट ठीक है ओके। यहाँ थोड़े ज़्यादा ही खड़े हैं भाई, माय बैड। दिमाग नहीं चला है अपना, आर्मर पहन रखा है, मतलब आर्मर नहीं पहना हुआ है और उसके ऊपर से मैंने क्या पहना हुआ है अपना, अरे भाई साहब दो दो नीचे मैंने ना वो पहन रखा है, इलाइट्रा पहन रखी है तो क्रिट्स नहीं लग रहे क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कूदने की जगह मैं तैर जा रहा हूँ, मतलब लेट जा रहा हूँ बेसिकली। चलो अभी हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं, बट मैं एक चीज़ करता हूँ, प्लीज़ बोल देना कि मेरे पास एक भी खाली अगर ये सर शुल्कर बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को मजाक से उठ के हद से ज़्यादा ही चाहिए होगा, मतलब एक होता थोड़ा सा फिर एक होता बहुत ज़्यादा, तो हमें बहुत ज़्यादा ही चाहिए होगा सैंड, क्योंकि हम लोगों को ढेर सारा वो भी चाहिए होगा ना, इसकी जगह ग्लास भी चाहिए होगा हमें ढेर सारा। रुको इसके नीचे होगा ना वो, मैं देखता हूँ अगर अपने पास और ग्लास रखने की जगह होगी ना तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है क्या, ये जो कूड़ा है ना मेरे पास ये कूड़ा मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है। ये सब मुझे नहीं चाहिए होगा, टेरिकोटा शेरिकोटा, तो मैं ना इसको एक्चुअल में सोच रहा हूँ कि यहीं फेंक ही दूँ कि ये टेरिकोटा ना, मैं भाई टेरिकोटा बनाना इज़ लाइक नॉट दैट हार्ड यार, ठीक है। ये तो हम लोग बना लेंगे, बट अभी के लिए हम लोग अपनी इन्वेंट्री एकदम एक सेकंड रुकना गाइस, इन्वेंट्री क्लियर करके आता भाई। वो बिल्कुल उसके जरा ही लग रहा है टेरिकोटा जैसा, मेरी गलती नहीं है भाई उसमें। अब एक काम करते हैं, पहले नीचे चलते हैं, नीचे हमारे फर्नेस पूरे टाइम चलते रहते थे, तो यहाँ पर अपने पास हाँ थोड़ा बहुत ही सही बट कांच है ऑलरेडी, मतलब जितना भी है भाई मैं तो कहूँगा सब लेते हुए चलो ना यार, है तो है भाई, अब थोड़ा ही सही जितना भी कांच मिल रहा है मैं तो सारा का सारा उठा लो। थोड़ा सा यहाँ से सैंड फेंक देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर से मैं जितना ग्लास हो सकता है ग्लास उठा लूँगा, दो और सैंड हटा के अपने को ग्लास मिल जाएगा। और तो गाइस जितना सैंड हो सकता था मैं उतना लेके चल रहा हूँ अपने साथ, मे बी ये कम पड़ सकता है, मे बी ये ज़्यादा होगा, आई होप ज़्यादा ही हो, बट यस जितना भी हो सकता था मैं उतना अपने साथ सैंड लेके चल रहा हूँ। या फिर एक मिनट रुको, शायद से मैं और रख सकता हूँ अपने पास, नहीं ये वाला शुल्कर चेस्ट वैसे भी यूजलेस ही लग रहा है मेरे को, तो इसको हटा लेते हैं और अपने साथ एक स्टैक, अच्छा नहीं दो स्टैक तो नहीं रख सकते, ये भी तो रखना है हमने। और ये क्या है भाई, हेलो सैंड का मैं इसको पूरा छोड़ के जा रहा था क्या। चलो बढ़िया, अपने पास पूरा का पूरा सामान आ चुका है गाइज, अब यहाँ से निकलते हैं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा तुम लोग समझ गए होगे बेसिकली वैसे, बट फिर भी मैं एक बारी के लिए समझा देता हूँ। हम लोगों को बस इतना करना है कि हम लोगों को अब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चटकाओ मुझको भाई, हाँ मारो मुझे, चलो जिंदा मत छोड़ो मैं, बहुत बढ़िया। नींद के झटके लग रहे हैं ला ला ला, अरे मैं भैया के यहाँ सोया था ना, हाँ मैं यहाँ आ गया। चलो अभी फटाफट से निकलते हैं और जितना भी सैंड है ना इसको हम लोगों को पूरा का पूरा लाइक स्मेल्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ ये कि हम लोगों को वहाँ पर ना अब उसको नीचे खोदना है, अगर हम लोगों को ये इफेक्ट बनाना है तगड़ा वाला एकदम ऐसा लगे कि ग्लो कर रहा है नीचे से पूरा कलर आ रहे हैं मिस्ट जैसी लगे, तो हम लोग उसको खोदना पड़ेगा, तो उसमें लगेगा टाइम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई जितने टाइम में हम लोग उसको खोदेंगे उतने टाइम में अगर हम लोग क्या कहते हैं थोड़ा ये भी लगा दे स्मेल्टिंग में लगा दे, तो सोचो हम लोगों का कितना ज्यादा टाइम लाइक बच जाएगा, वरना मेरे को बैठ के फिर इसको ग्लास बनते हुए देखना पड़ेगा यार, तुम समझ रहे हो कितना ज्यादा दर्दनीय होगा वो। एक मिनट रुको जरा, फटाफट से ये कर दो बस, मेरे को ना ये सारे सुल्कर बॉक्स सारे तो नीचे होंगे, वैसे बहुत ज्यादा ही रख लिए मैंने, बट ये कर लेते हैं ठीक है। एक चीज करते हैं ना, तीन और छोड़ देता हूँ मैं यहीं पे, और फटाफट से हम लोगों को जाके इससे पहले डिस्पॉन हो ये सारा सामान, बस सारा सामान इस वाले शुल्कर बॉक्स में डाल देना है, इजी ठीक है। चलो अब ये लेके चलते हैं सीधे नेदर और वहाँ पर स्टार्ट करते हैं खुदाई, वैसे खुदाई की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी भाई मेरे को,
मैं गधा हूँ यार, मैं पहले अगर वो TNT वाली चीज़ सोच लेता मेरा इतना टाइम बचता ना, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता, लाइक जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता मेरा। तो चलो अभी तो हम लोगों को लेकिन पता है, तो अब हम लोग सीधे TNT वाली टेक्निक से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये है कि इस वाले को थोड़ा सा मेरे को ढंग से करना पड़ेगा ताकि वो TNT हर जगह पर ना फटे, बट यस कुछ तो कर ही देंगे, मतलब थोड़ा टाइम बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना यार, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा लगा देता हूँ इसको, देयर वी गो, 1 2 3 4। थोड़ा सा हक दिया बट ठीक है। लाली लाली लाल, इसमें ऐसे भी कुछ काम की चीज़ नहीं है। हम लोगों को कौन से वाले शुल्कर में रखा हुआ हमने, खैर सैंड वाले निकाले। चलो मेरे को 2 मिनट दो गाइस, ये पूरा का पूरा सामान मैं यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर करके तुम लोगों को मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। नहीं, इसमें तो 2 मिनट ही लगने चाहिए वैसे। गाइस मैंने सारा का सारा सामान स्मेल्टिंग में लगा दिया है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर को आना थोड़ा सा। बट एक ही चीज़ की दिक्कत है दोबारा से, जैसे कि हमारे साथ दिक्कत ना हो तो कैसे चलेगा भाई। हाँ, डाल दे इसको, इसको खड्डे में ही डाल दे भाई वहाँ। इसमें बोल दो प्लीज़ मेरे पास, यस थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चलो इसको निकाल लेते हैं फटाफट से पहले यहाँ पर से। अब हम लोगों को क्या करना है देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। हम लोगों को सबसे पहले मैंने ये पूरा का पूरा लाइक ब्लास्ट किया, तो ये पहले तो पूरा ही जितना हमारा फ्रेम भी था वो भी टूट चुका है, तो हम लोगों को फ्रेम भी बनाना पड़ेगा अभी दोबारा से। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, मतलब स्टार्ट क्या करना है वैसे मेरे को याद ही है पूरा का पूरा फ्रेम। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, और उसके बाद 2 फिर 2 और फिर 1 और फिर 1 और फिर 2 फिर से 2 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेट्स गो। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो चुका है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल एकदम देखो एजेस में हम लोग खोद लेंगे, बट सेंटर में हम लोगों को सबसे ज़्यादा मेन चाहिए होगा। ठीक है, तो मान के चलो हम लोगों को अगर हम लोग बिल्कुल वैसा बनाते हैं, मेरे को आज भी याद है भाई, अगर हम लोगों को बिल्कुल वैसा बनाना है तो हम लोगों को 7 लेयर चाहिए होगी, और बेस लेयर पे एक वो चढ़ेगा अपना क्या कहते हैं उसे यार, वो कारपेट चढ़ेगी। ठीक है, तो कलर तो हम लोग अभी सोचेंगे, बट अभी के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पर सोच लो कि कांच है। ठीक है, तो ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ठीक है, ये तीसरी लेयर हो गई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है, ये कांच तक का हो गया, और इस वाले पे अपना ग्लास आ जाएगा, मतलब वो आ जाएगा क्या कहते हैं उसे, कारपेट आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, मैं दोबारा से खोदूंगा क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहता और ना ही मैं ज़्यादा गहरा डीप खोदना चाहता हूँ इसको। तो देखो ये हो गया, यहाँ पर आ गया कारपेट, ठीक है, कारपेट के ऊपर आ गया कांच, 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट है एकदम। ठीक है, इतनी ही हाइट का हम लोगों को चाहिए होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं ना बस एक, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको ना मैं बस यहाँ पर TNT नहीं फोड़ूंगा क्योंकि TNT यहाँ पर फोड़ा तो और नीचे आएगा, तो यहाँ से मैं TNT बजाने वाला हूँ और हम लोग इसको पूरा ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, TNT को लेट्स होप ये TNT ताबड़तोड़ बिल्कुल एकदम साफ कर दे जगह को। भागो, बिल्कुल दिवाली में से पटाखा जला के नहीं भागते। थोड़ा गहरा फट गया नहीं लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोगों को देख लो कितना ज्यादा टाइम बचा। सोच रहा इतना खोदने में हम लोगों को कितना ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम, लेकिन दिखने का नहीं लगता बट लगता बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, तो चलो अभी जबते देर में ये पूरा का पूरा सामान जो है अपना, यार मेरे पास थोड़े से और TNT बचे हैं वैसे, यार लगाना आसान है तोड़ना आसान है, मेरे हिसाब से तोड़ना आसान है यार, दोबारा लगाने में ना हालत टाइट हो जाती है यार, तो अगर ये इधर को फूटा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको यहीं से करते हैं ना, फर्स्ट लेयर, रुको एक मिनट रुको, मेरे को कितना खोदना पड़ेगा वो देख लेते हैं इस बारी। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, 12 नीचे को जाके वो करना है TNT लगाने। ओके, थोड़ा सा नुकसान हो गया बट ठीक है कोई बात नहीं। देखो ना कितना जल्दी हुआ भाई, कितना जल्दी बड़बूड़ हुआ, खत्म। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कम ऑन, नहीं, मर नहीं सकते, कम ऑन, नहीं, प्लीज नहीं, कम ऑन,
ओके हो रहा है बच रहे हैं यस। इट्स नेदर ब्रो, इट्स नेदर, याद रखना हमेशा भाई। तुम्हारे पास चाहे मैक्स आउट आर्मर हो जाए, तुम्हारे पास चाहे कुछ भी हो ना, इट्स नेदर ब्रो, इट्स नेदर। एक अकेली जगह जो तुम्हारा किसी भी लेवल पे जान लेने के कैपेबल है ब्रो। मेरा भी इतना सामान जाता है कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता हूँ। अच्छा मैंने अपना वो नहीं उतारा था, क्या कहते उसे, एलाइट्रा नहीं उतारी थी, वरना मैं उतार रहा था एक्चुअल में। डैम ब्रो क्या बचे हम लोग भाई। मेरे बूट्स में हुआ है ना फैदर फॉलिंग, हाँ फिर ठीक है चलो बस बढ़िया। चलो अब इसको हम लोग पूरा का पूरा जितना लगा सकते हैं उतना लगा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं क्या, इसको ना वैसे लगाते हैं। चलो अबे अच्छा ओके वो रोक दे रहा है क्या, ये भी सही है। यार ये तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड केओस नहीं हुआ। चलो गाइस अब इसको मैं पूरा का पूरा साफ करके तुम लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। 2 मिनट तो नहीं, खैर तुम्हारे लिए तो 2 सेकंड रहेंगे रे, मैं सीधे आऊंगा साफ कर। मेरे को इसको लिटरली साफ भी करना है, और साफ करने के साथ साथ मेरे को एट द सेम टाइम इसको पूरा का पूरा साइड से, जैसे ये देखो इतना फट चुका है, तो मेरे को इसको पूरा का पूरा ढक के भी आना है। तो मेरे को 2 मिनट दो, मेरे को एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट कर लेंगे भाई, दिखने का अच्छा चाहिए ना, वो है मेन चीज़। तो चलो इसको पूरा का पूरा क्लियर करके, क्लीन करके एकदम मिलता हो तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर। तो गाइस चलो अब चलते हैं, सारा फुल हो गया ना अपना, इसको बस रख देते हैं, इसको देते हैं, इसको हाथ पे रख देते हैं। चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं। अब देखो मैंने अपने सारे के सारे चीज़ें जितनी भी थी वो सारी की सारी लाइक मैक्स आउट। एक मिनट रुको यार, हम लोग इतनी देर नहीं यार, इतने मतलब क्या ही बना होगा, नहीं क्योंकि यार एंड यार पूरे टाइम पे वो नहीं रहता, लोडेड नहीं रहता, सीधी बात है लोडेड रहेगा तो लैग भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, नो बिग डील। ओके चलो फटाफट से इसको बंद करते हैं भाई, नेदर में तो क्या ही पता चल रहा है, दिन हो रही है रात हो रही है भाई। चलो चलते हैं, मैंने अपना सारा का सारा डाई वाई सब कुछ रख लिया है, सारी चीज़ें रख ली है, अब हम लोगों को इसको बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया मेरे को लिटरली इसको सिर्फ और सिर्फ खोदते खोदते ही इतना समय हो चुका है ना कि मेरा दिमाग जो है वो हिल चुका है भाई। अब ये हो गया पूरा का पूरा, अरे चलना निकलना इधर से। चलो ठीक है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अपना अब हम लोगों को क्या करना है, नीचे सबसे पहले हम लोगों को कारपेट बिछानी है जिस स्टाइल में हम लोग, अरे यार मैं उधर से छोड़ दिया थोड़ा सा, होम डिलीवरी। चलो कहाँ से देख रहा था मैं, यहाँ से ना, हाँ देखा नीचे जाके नहीं दिख रहा ना, इसलिए वो हो गया थोड़ा दिमाग से, मतलब थोड़ा मिस हो गया। चलो अभी मैंने क्या सोचा हुआ है ना गाइस, इसको मैं नॉर्मली रखूँगा कि ऐसे बस नॉर्मल सा बस ज़मीन है ये वो ऐसे करके, नहीं इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की सोच रहा हूँ, जो कि होगा मैं सोच रहा हूँ इसको अर्थ का शेप देने की, तुम समझ रहे हो, इसको थोड़ा ग्रीन ब्लू और वो सब डाल के थोड़ा सा ऐसा अलग सा बनाऊँगा। तो देखो हम लोग अब बेसिकली यार प्रॉपर ऐसा कॉन्टिनेंट तो नहीं बना सकते दिखने के, क्योंकि ज्योग्राफी इतना वो नहीं था हमारा, है ना, बहुत बढ़िया नहीं थे हम ज्योग्राफी में, तो इसलिए इतना बढ़िया तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा हुआ देखो ऐसे करके देखो, ठीक है, बेसिकली नॉर्मल ऐसा कुछ भी अपने दिमाग से बस अर्थ का वो बना दिया, मतलब मैं कोई कौन सा ही भाई यहाँ पर पॉलिटिकल मैप बना रहा हूँ अर्थ का बैठ के भाई, कोई नहीं, वैसे भी अपने जिस समय टाइम था उस टाइम पे भी नहीं बना पाता था, बट फिर भी मतलब समझ रहे हो, तो वही चीज़ है। हम लोग इसको कुछ भी ऐसे ग्रीन थोड़ा ब्लू ऐसे अर्थ का बेसिकली एलिमेंट दे देंगे, ठीक है। ये अपनी अर्थ है, यहाँ पे अलग चलते हैं कॉन्टिनेंट, यहाँ नहीं है नॉर्मल कॉन्टिनेंट वाली बातचीत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, पहले बता दूँ मैं तुम लोगों को इससे पहले कि तुम लोग बोलो भैया ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये क्या बना रहे हो भैया, मेरा पर्सनल कॉन्टिनेंट है वो। चलो ठीक है ये हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे को खींच देते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें ऐसे करेंगे क्या लास्ट में, तो देखो सीधी सी बात है, जैसे कि अगर तुम लोगों को पता होगा, अगर हम लोगों को फॉग का वो बनाना होता है, क्या कहते हैं उसे, फॉग का अगर हम लोगों को कैसे बताऊं, अगर अगर फॉग का एक इल्यूजन पैदा करना है हमें,
तो हम लोगों को बेसिकली नीचे ऐसे ये लगानी होती है, इसके ऊपर हम लोग वैसे लगा के जाएंगे। मेरे को पता है इसमें मैं एक तरह से कायदे से बहुत बढ़िया दिमाग लगा के आया हूँ, मैंने अपना पूरा का पूरा जितना भी था इतना ही उठा के लेके आया हूँ। मैं स्मार्ट हूँ भाई, क्या बात कर रहे हो, बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत स्मार्ट। भूल गया लाना और जी जी कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको ऐसी जैसे मतलब मैं तो बस तुम लोगों को दिखाना है था कि अब मैं क्या नेक्स्ट चीज़ क्या करने की सोच रहा हूँ इसके ऊपर। तो मैंने सोचा भाई इसको नॉर्मल एक कलर बस, यार वो बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाता अगर देखा जाए तो, कि एक बस एक कलर पकड़ा और उसको कर दिया, मतलब ब्लू पकड़ता ब्लू कर देता पूरा का पूरा, ग्रीन ग्रीन तो खैर वहाँ पर सामने वाले स्वॉर्ड पे है, रेड या कुछ ऐसे पकड़ के कर देता और बोलता ये लो भाई हो गया हमारा। बट मेरा मन था इसको थोड़ा सा अनोखा दिखने का बनाया जाए, जो कि सही बताऊँ तो ये इस चीज़ की वजह से लगेगा भी। ठीक है, इसको एक छोटा सा हल्का सा यहाँ पर से और छेद दे देता हूँ मैं, ठीक है, देयर वी गो। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ग्रीन दे देंगे, वहाँ से हम लोग थोड़ा सा बस इसको ऐसे करके टेढ़ा वेढ़ा ला के, रुको जरा एक काम करते ना, मैं इसको आउटलाइन जैसी कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये इतना ही रहेगा बस। ठीक है, देयर वी गो, चलो इसको हटा देते हैं। तो हम लोग बेसिकली इसको ऐसे करके यहाँ से पूरा अंदर से ग्रीन दे देंगे। अब ये जितना भी बचा हुआ है ये सारा का सारा ब्लू होगा, जो कि हमारा वाटर है, जैसे कि हमें पता है कि अर्थ इज 70% वाटर एंड 30% लैंड, एक्चुअली 71% वाटर एंड 29% लैंड शायद से, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को सही कर देना। बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम हो गया टीचर की डांट खाते हुए, नहीं चलो फटाफट से इसको पूरा का पूरा भर देता हूँ और तुम लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। गाइस ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कर दिया, नीचे जैसा अर्थ का वो बनाना था पूरा का पूरा शेप बन चुका है। ओके माय बैड सर, एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर भी तो है, मतलब एक छोटा सा कॉन्टिनेंट। यस, तो ये हो गया पूरा का पूरा, देखो अर्थ का शेप वेप हम लोगों ने कर दिया है। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा मेरे को पता है, सीधी सी बात है यार, इस पर कलर करना वो सारी चीज़ें, बट यही तो चीज़ है, यही तो फन है भाई, है ना, फन यहीं पर तो है पूरा का पूरा, कि भाई मुश्किल हो पर चीज़ ऐसी हो कि मज़ा आ जाए, समझ रहे हो। ये देख लो जैसे मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा तोड़ दिया और लास्ट में मेरे को पता चला ये क्या कर दिया मैंने, है ना, ऐसी होना चाहिए मतलब। अरे कुछ तो खाली होगा कोई तो, हाँ ठीक है, तो इसके अंदर हम अपना सारा का सारा सामान डाल देते हैं अभी के लिए। देयर वी गो, शू 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 शू। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ग्लास चाहिए अभी के लिए, ठीक है, ग्लास और ये डाई चाहिए हम लोगों को, लाइट नहीं चाहिए मेरे को अभी, ये सब है ना। मैंने यार ब्लैक का भी सोचा हुआ था कि थोड़ा सा ना क्या कहते हैं ब्लैक से आउटलाइन जैसे देंगे, थोड़ा सा अलग सा बनाएंगे, बट फिर वही है कि रहने देते, कार्टूनिश लगेगा थोड़ा सा मेरे को, थोड़ा रियलिस्टिक तो नहीं बोलूँगा बट स्टिल मतलब थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, तो कूल मतलब कूल सा लगेगा थोड़ा सा, बस यही है। तो गाइज हम लोगों ने सारा का सारा निकाल दिया, हमें कुछ नहीं करना है। पहले मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा ग्रीन करते हैं क्योंकि ब्लू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ब्लू आई थिंक ज़्यादा है वैसे मेरे को देखने से, तो ग्रीन ज़्यादा लगा है, बराबर ही लग रहा है, पता नहीं कैसे 50-50 कर दिया आई गेस मैंने। तो यस एक काम करते हैं, इसमें ना ब्लू भी ऐड कर ही देते हैं। चलो 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 यार, एक अच्छा नहीं रह गया, चलो बढ़िया, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास ये पूरा का पूरा हो चुका है, अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, एक एक ब्लॉक छोड़ के ऊपर को आते आते इसको पूरा का पूरा रंगीन बना देना है बिल्कुल, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, तो लगना तो चाहिए, देखो अब जैसा काम है वैसे हिसाब से टाइम तो लगना ही चाहिए, बट फिर भी मतलब थोड़ा सा ना इसमें टाइम इस चीज़ में ज़्यादा लग जाएगा। अगर ये नॉर्मल खाली ऐसे भरने वाली चीज होती ना तो यार ये फिर भी एक बारी के लिए बड़ी इजीली हो जाती, बट तुम्हारा भाई है ना, आसान चीज को भी कठिन बनाना है भाई को, तो करते हैं मजे। गाइस मिलता हूं तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर, इसको पूरा का पूरा अलग अलग टाइप के ग्लास से भर भर के 2 मिनट में मिलता हूं। गाइज ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, नीचे तक का देखो एकदम मस्त लग रहा है ना। अब मैंने क्या किया ना, इसके बाहर से ना मैंने ब्लैक कंक्रीट की वॉल लगा दी, क्योंकि ना कैसे बताऊँ वो आधा क्या कहते हैं अपना कॉबल स्टोन था, आधा अपना ये था नेदररैक था, आधा अपना ग्रेवल था, वो इतना गंदा दिख रहा था ना दिखने का, तो मैंने इसमें पूरे के पूरे ब्लैक में लगा दिया। और देख रहे हो अब कितना कूल लग रहा है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार, ये देखो एक बार, ये प्रॉपरली ऐसे थोड़ा अर्थ वाला शेप नहीं लग रहा, देख रहे हो एकदम मस्त सा, और नीचे आ रहे तो यहाँ पर देख रहे हो ऐसा लग रहा है कितना नीचे नीचे तक का एकदम अर्थी अर्थ गई भी ऐसे करके। बट हमें अब मेन चीज़ करनी है, जो कि हम लोगों ने इसको जिस चीज़ के लिए बनाया था, जो कि था अपना पूरा का पूरा लाइक कैसे बताऊँ घर जैसा बनाना है एक प्रॉपर, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग सबसे पहले फ्रंट की तरफ को हम लोग को ये फ्रंट रखना है, राइट, हम लोग यहाँ से आएंगे एकदम ऐसा बनाऊंगा ना घर जैसे, मान लो तुम
एक नॉर्मल उसके अंदर रह रहे हो, एक नॉर्मल कैसे बोलते हैं उसको यार, ओवरवर्ल्ड वर्ल्ड घर के जैसा बनाऊंगा बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो चलो लेट्स गो, पहले इसको देखते हैं यहाँ से वहाँ तक कितनी जगह है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, भाई दिखने का कितना अच्छा लग रहा है नीचे से भाई, गॉड सही मेरे ऐसे दिखने का ऐसा कूल लग रहा है ना, ठीक है। तो 27 तो ये कितना, 27 का हाफ कितना होगा, 13, 14 हाफ होगा राइट। तो इसको बिल्कुल 20 से ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हाफ होगा इसका, 5, 6 हाफ होगा ना इसका, हाँ इधर से 1, 2, 3, 4, 5 हाँ तो ये होगा करेक्ट हाफ इसका। तो हम लोगों को इधर से 14 ब्लॉक जाना है, ठीक है। तो 27 था, 27 का हाफ, 14 ब्लॉक, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये वाला ब्लॉक, ठीक है। तो ये ब्लॉक इसका सेंटर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेंटर है, ठीक है। वो वाला भाई यार, एक तो ये सोल सैंड के ऊपर आती है एकदम से, ऐसा खतरनाक क्रेजी सा लगता है, नेक्स्ट लेवल। तो चलो ये पूरा का पूरा हो गया। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पर सेंटर है, तो ये हम लोगों को मतलब इसी के हिसाब से बेसिकली घर बनना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो गाइस चलो यार इसके अब नींव रखना स्टार्ट करते हैं घर की, बेसिकली ये सेंटर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1, 2, 3 छोड़ के एक लगा देंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पीछे को 1, 2, 3 छोड़ के एक लगा देंगे, और मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा आगे को ले सकते हैं, 1, 2, 3 छोड़ के एक यहाँ पे, ऐसे सही लगेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा ऐसे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो इसको 3 करेंगे, इस वाले को 3 करेंगे, ये ऐसी रहेंगे जैसे कि जैसे हैं, ठीक है, ये ऐसी का ऐसी रहेगा। अब हमें इसमें 1, 2, 3 को छोड़ के एक लगाना है, सेम ईयर 1, 2, 3 को छोड़ के एक लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ के एक लगा देना है, सेम ईयर 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ के एक लगा देना है, ठीक है। इधर को जाते समय अब हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट करना है, वैसे ऊपर वाले पे तो वही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ के एक लगा देना, 1, 2, 3, 4, 5 हाँ सही है। कांच में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वैसे तो ऑप्टिफाइन है तो थोड़ा सा ऐसा ना मिल जाते ना आपस में, मतलब नॉर्मली तो कांच तुमने देखा डब्बे डब्बे जैसा लगता है, तो थोड़ा तब भी एक बारी को आसान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने इसको ऐसे करके यहाँ पर एक लगाना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके हमने एक छोड़ दिया, यहाँ पर एक लगाना है, 1, 2, 3 छोड़ के एक और लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, 1, 2, 3 हाँ परफेक्ट हो गया। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जितने के जितने हैं ना, ये जितने भी सारे के सारे हैं, इनको हम लोगों को पूरा का पूरा 7 हाइट तक का खींचना है। तो बेसिकली ये 1 है 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाई ये लिटरली अर्थ वाले चीज़ ना बहुत ज़्यादा कूल लग रही है। और मैं इसमें ना ज़मीन नहीं बनाने वाला, मतलब ये मत सोचना कि मैं इसमें कैसे बताऊँ, मैं इसमें अगर ज़मीन भी होगी ना, ज़मीन भी मैं कांच की बनाने वाला, ताकि वो दिखने का ना पूरे टाइम पता रहे कि हाँ यार कितनी मेहनत हुई है यहाँ पे। ये मैंने 7 ही बनाया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, 1, 2, 3 भाई यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ सही है ना, बस चलो ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, सेम इनको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टू बहुत बढ़िया 2, 3, 4 अभी ये क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। ये सारे के सारे तो साथ साथ हम लोगों ने खींच दिए, ये जितने खींचने चाहिए थे उतने हम लोगों ने खींच दिए। बट अब आता है थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, ये जो है ना ये वाले 7 होंगे, ये सिर्फ ऐसे 4 होंगे, 1, 2, 3, 4 सेम यार 2, 3, 4 ठीक है। तो गाइज एक प्रॉब्लम हो गई, बस मैंने ये थोड़ा सा गलत बना दिया ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, देयर वी गो, वापस ले लेते हैं अपना ओकवुड पूरा का पूरा, बस ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, सेम गोज हियर। यहाँ पर भी हम लोगों को ऐसे करना है, 1, बस इस वाले को हम लोगों को 3 ही रखना, 1, 2, 3 बस ये 3 तक का ही रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, तुम्हें देख के पता चला होगा क्या है, ये हमारी प्रॉपरली स्टेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। के ग्लास 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 देखो, अब मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ इसमें, यार ये दिखने का ना इतना ज़्यादा क्यूट है कि मेरा मन नहीं है कि इसको मैं पूरा का पूरा ढक दूँ। तो मैंने क्या सोचा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो ठीक है, इसको हम लोग जो ज़मीन होगी ना इसकी, ये हमारा पहला घर होगा बेसिकली, जिसकी ज़मीन हम लोग पूरी की पूरी ग्लास से बनाने वाले हैं,
ताकि हम लोग नीचे देखे तो हमें पता रहे कि नीचे इतना कूल सा अर्थ का डिजाइन है यार, वरना फिर फायदा ही क्या, इतने घंटे मैंने लगा दिए इसमें, इतनी मेहनत कर दी, अगर लाइक दिखेगा ही नहीं तो भी फायदा क्या, राइट। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। हम लोग क्या करना है, ये एरिया हम लोग क्या कहते हैं उसे छोड़ देंगे, हम लोग इधर को आएंगे, हम लोग इसको इधर को लेके आएंगे इसकी लाइन तक का, लेकिन हम इसको इधर को ही लेके जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग इसको पूरा ऐसे करके लेके आएंगे, देयर वी गो, ठीक है, हम लोग इसको पूरा इधर को लेके आएंगे, बट हम इसको बेसिकली बाहर को नहीं लेके जाएंगे, ये जो है ये अपना स्टे वो होगा, पूरा चढ़ने वढ़ने का होगा और थोड़ा सा अलग बनाएंगे, वो आगे देखते हैं। हम लोग इसको पूरा का पूरा जो ज़मीन होगी इसकी फ्लोर होगा वो कांच से कर देते हैं, देयर वी गो गाइस, ठीक है। तो ये देख रहे हो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, सोचो हम लोग ऐसे चल रहे, हमारा सामान वामान रखा हुआ और नीचे हम लोगों को प्रॉपर नेदर में ऐसे अर्थ दिख रही है, देख रहे हो तुम लोग कितना कूल लग रहा है देखने में, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा हूँ इसको देख के भाई। तो गाइस ये इतना हो चुका है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, नॉर्मली हम लोग बस, मैं थोड़े बहुत स्टेयर्स लेके आ गया हूँ, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, 1 2 3 सेम ईयर 1, अरे यार ये कर लो तुम पहले, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, तो ऐसे करके कर देना है हम लोगों ने। एक्चुअली इस वाले को भी हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली तोड़ेंगे, रुको, ग्लास हमें चाहिए होगा, यू नेवर नो कितना काम और आ जाएगा ग्लास अभी, तो ये हटा देते हैं, देयर वी गो, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा का पूरा यहाँ से आराम से चढ़ सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट करना है, जो कि होगा यार ये नेदर में पानी डाल दूंगा, बात मत कर देना यार, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो ये होगा कि हम लोग इसको ऐसे करेंगे, अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक वो बना रहे, छत वाला एंगल बना रहे, बट जो डिफरेंट चीज़ है वो मैं तुम लोगों को, एक सेकंड दे दो बस मेरे को, मैं इसको बना के तुम लोगों को बता देता हूँ, देयर वी गो, बस बस, और ये साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों को एक और स्लैब लगाना है, बट अभी के लिए मेरे पास स्लैब है नहीं, देखो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को सेम चीज़ इस साइड से भी बनानी है, ठीक है, देयर वी गो, यार ये क्या डरावनी आवाज़ आती है ना बीच बीच में भाई, मैं तो क्या बोलूँ यार, छोड़ो, ऐसे हम लोग को बेसिकली ये जो हम लोग बना रहे हैं ना, ये रूफ जैसी, ये हम लोग को चार बार बनानी है, ठीक है। दूसरी ये हो गई, सही लगा है ये, नहीं गलत लगा, ठीक है, दूसरी ये हो गई, हाँ आप सही लगा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को एक लास्ट यहाँ पे बनानी है, बट उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा 1 2 3 4, ये लगाना पड़ेगा हम लोगों को पहले यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों को सेम चीज़ करनी है जो हम लोगों ने वहाँ पे करी थी, देयर वी गो, 1 2, हम लोगों को सेम वैसी बिल्कुल एकदम, भाई मत कर, मैं मत कर कह रहा हूँ, बता, पिट गई मेरे हाथ से, बोला ना तेरे को एक बार मत कर, बोला ना तेरे को एक बार मत कर, हैं कुछ भी नहीं हुआ, इसे कहते हैं मजबूती दोस्तों। तो अगर आप लोग घर बनवा रहे हो या फिर कुछ भी काम करवा रहे हो तो भूले नहीं, तुम्हारा भाई है यहाँ। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, बस मैंने एक गड़बड़ कर दी थी, अच्छा हुआ वो गेस्ट आ गई भाई उसने, वरना अभी मैं पूरा गलत बनाया था, हम लोगों ने इसको पूरा ऐसे जोड़ा नहीं, तो वो बेसिकली यहाँ से आएगा, तभी मैं सोच रहा था कि ये तो थोड़ा सा अलग सा नहीं बन जाएगा, अजीब सा बन जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको इस वाले को तोड़ देते हैं हम लोगों को इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाना पड़ेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, पूरा गलत बना के पूरा सही करने से तो यही चीज़ अच्छी है, राइट। ये हो गया सेम ऐसे 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 ऐसे, और उसके बाद लास्ट में ऐसे, ठीक है। ये पूरा का पूरा बन चुका है, अब एक लास्ट बार यही सेम रूफ जैसे हम लोगों ने बनाई है, ये सेम टू सेम बन जाएगी इस टाइम इस जगह पे, ठीक है। मैं भी एक्चुअली इसको पता है लगा के, हाँ यही करने वाला था जो मैंने अभी किया, दिमाग तो कभी कभार बहुत तेज चलता है मेरा, और इतना तेज चलता है कि बंदे पता नहीं कर पाते कितना तेज चल रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया, फिर हम लोगों को दोबारा से वही ऐसे करके करना है, यहाँ से लेके आएंगे, ये हो गया, ये ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा अपना काम कंप्लीट यहाँ से। और ये देख रहे हो थोड़ा सा अजीब सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, मोस्ट ऑफली इसको खींच दूंगा नीचे को, बट देखेंगे, वो तो कह रहे बात की बात है, बट देखो हम लोगों को ऐसे करके चारों तरफ से इसको निकालना था, तो हम लोगों ने ये देख रहे हो कैसे इसके अलग अलग टाइप के रूप बना दिए इस घर के, और एक्चुअली ये मेरे को लग रहा है बहुत कूल लगने वाला है, खास करके अर्थ वाली उसके बाद, लाइक जो ज़मीन है ना अर्थ वाली, और मैं ऐसा कर सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, मेरे को एक आइडिया आ रहा है,
मैं सोच रहा हूँ कि जैसी ये रूफ है ना, अगर इसके ऊपर कुछ भी पड़ता है, मतलब जैसे ग्रीन है तो इसके ऊपर अगर ये ग्रीन पड़ रहा है तो इसको मैं ग्रीन कर दूंगा, अगर ये ब्लू है इसके ऊपर ब्लू पड़ रहा है तो हम इसको ब्लू कर देखते हैं। मतलब तो खैर बात की बात है, अभी के लिए फटाफट से अपना घर कंप्लीट करते हैं। जो स्टेयर्स है ना, इनको हमें बेसिकली अब आपस में ऐसे करके जोड़ देना है, ठीक है। लेट्स गो, इसको ऐसे टेढ़ा करके थोड़ा सा, यहाँ से ये वाली जुड़ गई, फिर हम लोगों को इस साइड को लेके आना है इसको, 1 2 ये आपस में जुड़ गई भाई, सिंपल एकदम, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपस में जुड़ गई, ठीक है। ये सारे के सारे आपस में जुड़ गए। अब थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आएगा, जो कि होगा देखो मैं बताता हूँ। हम लोगों को लेना है स्लैब, जितने भी जगह पे हम लोगों ने स्लैब लिए हुए थे ना, देखो जो ये है क्या कहते हैं उसे, जो बड़ा वाला स्ट्रेच है जो कि ये है, ये तो पूरा सीधे एक ही में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये ऐसे करके आएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी हल्का सा एक डिफरेंस और आएगा, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, 2 सेकंड बस। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बीच के लिए जो इसके बीच में लगना है वो मैं लेके आया हुआ हूँ बर्च, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसके बीच में ऐसे करके बर्च डाल देने, क्योंकि सीधी बात है अगर कोई भी बात करेगा तो स्प्रूस और बर्च का ही, लेकिन स्प्रूस जैसे डार्क ओक और बर्च का सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगता है, मतलब बेसिकली एकदम अपोजिट हो जाता है। डार्क ओक लिटरली डार्क है और बर्च बहुत लाइट कलर है, तो वो बहुत अलग सा लगता है साथ में, है ना। तो हम लोगों को बस ऐसी करके इसकी पूरी की पूरी छत को बना देना है। चलो 2 मिनट सूसा फूफा करके एकदम से इसकी छत को बना के मिलता हूँ तुमसे मैं 2 मिनट। गाइस फाइनली हमारा बिल्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हालत टाइट हो गई, मतलब हालत टाइट हो गई, बट हालत टाइट किस चीज़ में हुई, बिल्ड में उतनी नहीं हुई जितना उसके नीचे की ज़मीन बनाने में हो गई। जो ये ज़मीन देख रहे हो ना नीचे, इसको बनाने में जितनी हालत टाइट हुई, बिल्ड में तो मतलब सही बताऊँ तो बहुत सिंपल और प्यारा सा बिल्ड है। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत मेरे को पता चल गई थी बीच में जब मैं बिल्ड बना रहा था, बट तुम्हें भी दिखाता हूँ। लेट्स गो, 1 2 3 अरे गिर गया गलती से, 1 2 3 लग रहा है ना मस्त एकदम, ऐसा थोड़ा सा कैसे बताओ हॉरर वाइब्स नहीं दे रहा है ये मेरे को, मतलब सच्ची बात दूर से मैं देख रहा हूँ मेरे को, ओ भाई साहब ये थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत वूत रहता हो, यहाँ चुड़ैल उड़ैल रहती है। किरमाड़ा ऐसे भाई लेजिट पता, इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है। मैंने एक ही चीज़ करी इसका, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं इसकी ज़मीन जो है वो कांच की रखने वाला हूँ। तो देखो ये अपना घर हो गया, यहाँ से हम लोग अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान सजूना जिन्होंने का रख रखा है, यहाँ पे मैंने जैक के क्या कहते हैं उसे पूर्वजों की फ़ोटो भी लगा के रखी हुई है। एक यार रुको एक मिनट यार, दोनों में जैक के पूर्वज अच्छे नहीं लगे, नहीं एक मिनट रुको उसको हटा दूँ हाथ से ज़रा रुको। दास ये देखा, एक मेरे पूर्वज भी होने चाहिए। नहीं तो ये हो गया पूरा का पूरा, देखो कंप्लीट। यहाँ से नीचे से हम लोगों को पूरा लाइक कैसे बताऊँ, जो अर्थ वाला हमने बना रखा है वो दिख रहा है। फिर यहाँ पर वाले में यार थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लाइक सर पे लग रहा है ऐसा लग रहा है, बट स्टिल थोड़ा कूल है, मतलब जस्ट बिकॉज वो कांच है ना, इसकी वजह से सही लग रहा है मेरे हिसाब से। और मैं तो सोच रहा था कि इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग इसको एक्चुअली इतना और तोड़ सकते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ी सी और जगह मिल जाए रहने के लिए, लाइक चलने फिरने के लिए नीचे की साइड को, ठीक है। वरना ये थोड़ा सा स्कफिंग लग रहा है, मैं मना नहीं करूँगा कि नहीं ब्रो नहीं लग रहा, स्कफिंग थोड़ा सा लग रहा है बट काफ़ी ज़्यादा कूल है। मैं नीचे सोच रहा हूँ कि हो सकता है हम लोग अपना कुछ ऐसा एन्चांटमेंट टेबल या फिर ऐसे कुछ बना दें। ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, एंड अब अपने पास एक मस्त घर है, बस यहाँ पे बेड ला के बेड बजाने की देरी है। समझ रहे हो ना, नेदर है, नेदर में बेड लगाएंगे, बेड पे सोएंगे तो बेड बज जाएगा, बड़ाम बड़ूम। मुझे पता है तुम लोग समझ रहे हो, खाली ड्रामे कर रहे हो, नॉटिंग की बात। ये देखो ये है हम लोगों का नया घर जो कि हम लोगों के नेदर में, और देखो कितना कूल लग रहा है वहाँ से। देखो एक बार स्वर्ड से आते हुए दिखाता हूँ तुम्हें, देखो जैसे मान लो हम लोग यहाँ स्वर्ड से आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो भाई साहब कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। ये बेसाल्ट की लाइनें थोड़ी बहुत तोड़नी पड़ सकती है मेरे को दिखने का, लेकिन नहीं यार वो बेसाल्ट की लाइनें भी अपना काम कर रही है मस्त वाला ना, थोड़ा हॉरर लुक दे रही है हमारे पूरे के पूरे ओवरऑल नेदर को। तो ये देखो सोचा हम लोग ये नेदर से बाहर आए तो हम लोगों को नेदर में हर जगह पे पहले खाली पोर्टल दिखते थे, लाइक वो एंड का पोर्टल है, ये अपने क्या कहते हैं उसे ट्रांसफॉर्म्ड ओशन मॉन्यूमेंट का पोर्टल है, फिर अपना ये तो है ही मेन पोर्टल, और उसके बाद एक और पोर्टल होना चाहिए यहाँ पे वैसे एंड का। हाँ वो थोड़ा अंदर जाके, ओके वो उधर को है ना, वो वाला पोर्टल है, मैं गुस्सा तो नहीं दिलाया ना। हाँ तो वो दूसरा वाला पोर्टल है जो मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, उसके बाद हम लोग इधर को आके आराम से जा सकते हैं। देख रहे हो ये देखो, और ये बस बीच में ये बार बार भाई ये नॉर्मल ब्लॉक्स आ जा रहे हैं। फिर हम लोग इधर को आके देखो अपना घर भी देख सकते हैं। मेरे को इसको पूरा का पूरा तोड़ना है, मोस्ट प्रॉब्ली इसको मैं कहीं नीचे सेट कर सकता हूँ वैसे, लेकिन फिर हाँ थोड़ा सा लुक खराब होगा, बट ठीक है देखते ना जो भी होगा। एक काम करते हैं, इसको मैं अभी तोड़ के ना अपनी जेब में रख ही लेता हूँ यार, मैं इसको अपने कैसल में वापस लगा दूंगा अगर यहाँ पर रखने की जगह नहीं हो रही है तो।
इसको नहीं तोड़ सकते, इसके अंदर तो बहुत सामान वामान पड़ा हुआ है भाई, वो आएगा ही नहीं मेरी जेब में, खाली फेस चल जाएगा अलग। तो ये देख रहे हो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है अपना नया बेस नेदर का, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में तुम लोग इसको कितने रेट करोगे आउट ऑफ 10। मेरे हिसाब से तो ये भाई नहीं भी तो 10 out of 10 नहीं बोलूँगा, बट इसको मैं एटलीस्ट 7 out of 10 बोलूँगा। बट जो दिक्कत की बात मैं तुम लोगों को बता रहा था कि भाई एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है इसके साथ कि हम लोग लाइक इसको बना तो दिया, बट जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि इसको बनाते बनाते भी मेरे पीछे गैस पड़ गई थी, वो तो मैं कैसे ना कैसे करके बार बार यहाँ से उड़ के चल दे रहा था और उसके बाद गैस को मार मूर दे रहा था। बट अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्यों ना हम लोग एक पूरे के पूरे डोम में क्लोज कर दे, लाइक हमें इसे थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और दूर लेके आना पड़ेगा यहाँ यहाँ तक का, और उसके बाद हम लोग इसको पूरा का पूरा एक डोम में क्लोज कर देंगे बेसिकली, मतलब चारों तरफ से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की कवर लगा देंगे, क्योंकि गैस ग्लास के थ्रू नहीं देख पाती, उनको नॉर्मल ब्लॉक ही लगता है, इवन तो हमें दिखता है बट उनको वो एक नॉर्मल ब्लॉक लगता है जिसकी वजह से वो नहीं देख पाते ग्लास के थ्रू। तो ये चीज़ सही हो जाएगी, हमारा घर का घर बचा भी रहेगा, गैस वैस का भी हमला भी नहीं कर पाएगी, और उसके साथ साथ हम लोगों का लाइक सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा मेरे हिसाब से। भाई ये लिटरली ये जो नीचे है ना, ये नीचे इस इफेक्ट को देने के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगा, और नॉर्मली कुछ भी टाइम नहीं लगा मेरे को, सही बताऊँ घर बनाने में, लाइक लगा बट आधा घंटा भाई, आधा घंटा 45 मिनट्स एट मैक्स मैंने लगाए होंगे इस घर पे, ठीक है, क्योंकि सामान बार बार नेदर से लाइक ओवरवर्ल्ड से ले लेके आना पड़ रहा था ना, बस और कुछ नहीं भाई। तो गाइज ये रहा हम लोगों का घर, अब नहीं 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 यार, डोंट टेल मी यार, वहां पे एक बजा था यार, एक बजा था यार, चलो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ कुछ, इसे तोड़ लेते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं, हाँ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये चीज सही हो गई, ठीक है। तो ये बताना मेरे को अगर तुम लोग भी अपने वर्ल्ड में बनाना चाहोगे, और मेरे को कैसे भी भाई जल्दी से जल्दी ना, इससे पहले कि ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, मेरे को एक पूरा का पूरा इसको लिटरली डोम कवर करते हुए बनाना पड़ेगा, जो कि लाइक ऐसे करके कुछ बनाऊंगा मैं, देखते हैं जैसे भी बनेगा इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा ताकि बाहर से कोई भी चीज़ इसका हमला ना कर सके।